है गोगा महाराज। श्री राम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भगवान शिव के गले का हार जिसे बोला जाता है, उस नाग देव हमारे यहाँ गोगा महाराज बोलते हैं, तो मैं वैसे ही एक जगह पर आया हूँ जिसे गुजरात का काशी भी बोला जाता है, काशी धाम कासवा कहवा, हमारे कहवा बोलते हैं। तो यह कहवा आज मैं दर्शन के लिए आया हूँ। यहाँ पर शिव पुराण का 7 दिन का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है, तो इसी वजह से आज मैं यहाँ पर आया हूँ दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। मंदिर प्रवेश भगवान श्री गोगा महाराज ये सेवक समाज को खूब सुखी रखे, एवं खूब खूब प्रार्थना। मंदिर का मेन गेट कुछ आर्टिफिशियल टाइप बनाया हुआ लगता है। मित्रों, गेट के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पर चाय कॉफी की व्यवस्था मिल जाएगी आपको। काशी धाम कहवा के अंदर आज शिव महापुराण का 4th दिन है। ये महापुराण 7 दिन चलने वाला है और रात को हर रोज़ अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, लोक डायरा रास गरबा कुछ इस टाइप का। मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और ऊंचा भी बनाया हुआ है। अंदर चलकर भी मंदिर का सिंहासन जो कि सोने का बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आगे चलते हैं, भीड़ ज़्यादा है लेकिन अंदर तक जाएंगे हम। भाई लोग आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़, श्रद्धालु सब 7 दिन के इस महापुराण में दर्शन करने के लिए आए हुए। लगभग हर रोज़ 5-6 लाख भक्तजन यहाँ पर दर्शन करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मंदिर आप जो देख रहे हैं वो पूरा मंदिर पत्थरों से बनवाया गया है और मंदिर का जो अंदर का जो सिंहासन है जहाँ पर गोगा महाराज की प्रतिष्ठा होगी, उनकी मूर्ति रखी जाएगी, वो पूरा सिंहासन सोने के सिक्कों का बनाया गया है, कुछ इस टाइप का सिंहासन है। तो फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर जो गोगा महाराज की मूर्ति रखने वाली है,
प्रतिष्ठा होकर रखी जाएगी। वो मूर्ति पूरी सोने की होगी, कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। तो मंदिर के दर्शन हमारे हो गए। अभी जो महाशक्ति यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ की ओर चलते। यज्ञशाला के अंदर जो महायज्ञ हो रहा है वो 1011 कुंडी का हवन है। विशाल यज्ञशाला बनाई गई है, आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा मंडप और उसमें 1011 कुंड बनाए हुए हैं। हर कुंड के आगे आपको नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। वो नंबर जिस जिस का होगा वो उसी यज्ञ कुंड के आगे बैठेगा और वहाँ पर गोगा महाराज का हवन करेगा। आप लोग ऊपर देख सकते हैं हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। उस हेलीकॉप्टर से मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा होगी जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा है उसमें से मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। इसके अलावा एक बात और भी बता दूं कि यहाँ पर हर रोज 1.5 से 2 लाख लोग यज्ञ का प्रसाद ले रहे हैं, जिसमें दोनों टाइम आपको यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता हुआ दिखेगा। पुष्प वर्षा कार्यालय, दानपेट काउंटर और भोजनालय आपको इस तरफ प्रसादी का चल रहा है अभी। और उसके अलावा जो प्रतिष्ठा के पूर्व यहाँ पर 5 लाख लड्डू प्रसादी के लिए तैयार कर दिए गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो भाई लोग दर्शन भी हुए, सब कुछ बढ़िया हो गया। और भोजनालय की ओर हम खाना खाने के लिए जाने वाले थे, प्रसादी लेने वाले थे, लेकिन वहाँ पर श्रद्धालु ज़्यादा थे, भीड़ बहुत थी, तो इसलिए हमने अवॉइड किया। आज का जो प्रसादी था वो हमने अवॉइड किया और अभी हम सीधे बाहर की ओर निकलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जय गोगा महाराज अवश्य लिखना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना।